हेलो लर्नर्स, NIOS के इस DLED के सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर रितु बख्शी। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह है पर्यावरण अध्ययन की गैर परंपरागत आंकलन युक्तियाँ। तो प्रिय छात्र छात्राओं, जब भी हम बात करते हैं पर्यावरण आंकलन की गैर परंपरागत युक्तियों की, तो सबसे पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगी कि हमें इन युक्तियों की ज़रूरत क्यों पड़ी। ज़रूरत क्या थी कि हमने जो परंपरागत आंकलन युक्तियाँ थी उससे हटकर कुछ और युक्तियों के बारे में सोचा। तो प्रिय छात्र छात्राओं, क्योंकि आज के युग में जो हमारा छात्र है उसमें इतनी प्रतिभाएं छुपी हैं कि उसका आंकलन एक ही युक्ति से उसकी प्रतिभाओं को हम नहीं आंक सकते हैं। तो आज के इस सत्र में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि गैर परंपरागत आंकलन युक्तियाँ हैं क्या, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और किस किस तरीके से हम एक सर्वांगीण विकास के लिए जो एक छात्र का आंकलन है हम किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं इसके अर्थ पर बात करूं तो आंकलन जो है वो एक संवादात्मक तथा रचनात्मक प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक को यह ज्ञात हो जाता है कि विद्यार्थी का उचित अधिगम हो रहा है या नहीं। उचित अधिगम मतलब जो उसका लर्निंग का हम एक उद्देश्य लेकर चले थे कि उसके व्यवहार में हमें ये सीखने के बाद इस तरह का एक चेंज चाहिए, एक उसके व्यवहार में ये बदलाव आना चाहिए, क्या उसका उचित दिशा में हम जा रहे हैं। कहने का अर्थ ये है दशा और दिशा दोनों ही इस टाइम एक शिक्षक को सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या जो लर्निंग होनी थी, जो एक उचित अधिगम होना था, वो हुआ या नहीं। इसके लिए हम आंकलन करते हैं और इसका उद्देश्य जो है वो निदानात्मक होता है। शैक्षिक संदर्भ में आंकलन के उद्देश्य जो हैं वो हैं शिक्षण। शिक्षण में उद्देश्य की बात करें तो अधिगम कार्यक्रम में सुधार करना, छात्रों व अध्यापकों को पृष्ठ पोषण प्रदान करना और छात्रों के अधिगम संबंधी कठिनाइयों को ज्ञात करना, ये हमारे मूल रूप से उद्देश्य हैं। और इसके उद्देश्यों का अगर हम वैसे सोचें, अगर हम सोचें कि आंकलन करें, तो ये सारे के सारे उद्देश्य जो हैं इनका केंद्र बिंदु एक ही है, वो है निदानात्मक, कि हमें अपनी टीचिंग को, एक बच्चों को लर्निंग एनवायरनमेंट इस तरह का देना है, अधिगम इस तरह का होना चाहिए कि वो उसमें बच्चा सीखे। इसकी जो अवधि है वो संपूर्ण अकादमिक अवधि के दौरान होती रहनी चाहिए, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आंकलन कभी भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि आंकलन आपने कर दिया तो एक साल में उसके अंत में हमने परीक्षा ले ली और उसका आंकलन हो गया। ये संपूर्ण अकादमिक सत्र में चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है और शिक्षण शास्त्र का ये एक बहुत ही अहम हिस्सा है जो पढ़ने पढ़ाने के साथ चलता रहता है, एक सतत प्रक्रिया है। ज़रूर याद रखें कि आंकलन कभी भी एक बार में नहीं हो सकता है, अंत में नहीं करना है। और अब आगे बढ़ने से पहले मुझे आपसे ये चर्चा करनी है कि इन विधियों की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी। तो विद्यार्थियों, आज तक का आपका जो एक्सपीरियंस रहा है या मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, विद्यार्थियों को परीक्षाएं बहुत ही चिंताजनक और तनावपूर्ण लगती हैं। ध्यान देने की ज़रूरत है कि परीक्षा के दिनों में चिंता और तनाव, ये दोनों विद्यार्थियों को घेरे रहते हैं और इसके कारण उनका प्रदर्शन और उनकी क्षमता पे असर पड़ता है और उनका प्रदर्शन जो वो कई बार कर सकते थे वो नहीं कर सकते हैं तनाव की स्थिति में। टेस्ट और परीक्षाएं अक्सर सीखने की अवधि के अंत में ली जाती हैं और आमतौर पर इसमें फीडबैक भी नहीं दिया जाता और इसके परिणामों पर समयोजित व सतत तरीके से कार्यवाही नहीं की जा सकती। तो बहुत ही सोचने का विषय ये है कि इस चिंताजनक और तनावपूर्ण जो स्थिति बन जाती है परीक्षाओं के दौरान, और आप आए दिन अखबारों में, आए दिन टीवी पर देखते हैं कि रिज़ल्ट आने के बाद, एक दिन बाद परिजन जो हैं, घर वाले परिजन हैं, वो रोते बिलखते नज़र आते हैं कई बार, क्योंकि परिणाम जो बच्चे ने सोचे थे अपेक्षित परिणाम नहीं आते हैं और बच्चे अपने आप को अपनी ज़िंदगी से खेल जाते हैं। तो इस चिंता और तनाव की स्थिति को दूर करने के लिए आंकलन विधियाँ जो हैं उसमें कुछ ज़रूरत पड़ी कि इसको हम थोड़ा सा चेंज करें। इसके साथ ही टेस्ट और परीक्षाएं भाषा सीखने के पहलुओं का आंकलन करती हैं, जैसे बोध, व्याकरण, शब्दावली, लेकिन इनमें सुनने या बोलने का आंकलन नहीं होता है। जो
आप पर्यावरण शिक्षा की जब हम बात करते हैं तो इसमें बोध, व्याकरण, शब्दावली, ये सब चीज़ों से ज़्यादा बहुत ज़रूरी है कि हम उनके बोलने की क्षमता, वो किस तरह से अवलोकन करते हैं किसी चीज़ का और किस तरह से उसको यूज़ करते हैं, इस चीज़ में सक्षम बने। विद्यार्थी अक्सर उनके कार्य के बारे में दिए गए फीडबैक पर कभी ध्यान नहीं देते हैं और उनकी रुचि जो है, आज तक की जो आंकलन प्रक्रिया है, रुचि कुल ग्रेड में रहती है, सिर्फ विद्यार्थियों की नहीं, माँ बाप की भी, जो अभिभावक हैं उनकी भी और इवन शिक्षक की भी, सारा का सारा ध्यान क्या रहता है, मेरे बच्चे का ये ग्रेड आया है और मेरा बच्चा इतनी ऊपर गया है, जो आंकलन जिस तरह से होना था उसमें क्या प्रतिभा है उस पर तो हमने ध्यान ही नहीं दिया। तो अनौपचारिक आंकलन विधियां इसलिए बहुत ज़रूरी हो गई क्योंकि आंकलन करने के अलग तरीकों की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हम जो शिक्षा का अर्थ है वो है अंदर से कुछ निकालना, ये नहीं कि जो हमें आता है, एक शिक्षक को आता है, वो उसमें डालता जाता है। कहने का अर्थ ये है कि जो एक शिक्षा का अर्थ था हमने तो उसको ही उल्टा कर दिया अब तक की जो शिक्षा रही है। तो इसमें जो सुधार है उसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। अंकलन के रिकॉर्ड रखना बहुत ही समय लेने वाला काम भी है, इसलिए ज़रूरत पड़ी कि हम कुछ अंकलन, क्योंकि एक सतत प्रक्रिया है और पूरा वर्ष अगर हम आंकलन करते रहें और रिकॉर्ड हमेशा विद्यार्थी की क्षमताओं का वास्तविक चित्र प्रस्तुत करे, इसके लिए हमें अनौपचारिक आंकलन विधियों की ज़रूरत पड़ी क्योंकि ये जो हमारे जो परंपरागत आंकलन विधियाँ रही हैं ये विद्यार्थी की क्षमताओं का वास्तविक चित्र प्रस्तुत नहीं करती हैं। अब जब हम ये सब बात कर रहे हैं तो इसका दायित्व जो है सरकार ने, इसका दायित्व जो है अभिभावकों ने किसके ऊपर दिया है, एक अध्यापक। तो एक अध्यापक के तौर पर प्रिय छात्र छात्रों, आपके ऊपर एक बहुत ही बड़ा दायित्व है कि ये जाने आपके विद्यार्थी किस तरह से काम कर रहे थे, क्या उनमें से कोई इस बारे में अनिश्चित लग रहे थे कि उन्हें क्या करना है। ये अध्यापक सोचेगा ना, क्या आपके विद्यार्थी के काम करने की गति अलग अलग है और ये आप कैसे बता सकते हैं। तो ये सब कुछ केंद्र बिंदु हैं जिस पे हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपने सब विद्यार्थियों को एक कक्षा में एक जैसा काम दे दिया तो कुछ विद्यार्थी उसमें से अनिश्चित भी तो लग सकते हैं कि वो नहीं कर पाते हैं वो काम। तो ये चीज़ एक अध्यापक के रूप में आपका बहुत बड़ा दायित्व है, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप एक अध्यापक के रूप में इस चीज़ का ध्यान रखें और ये पूरा ध्यान दें कि विद्यार्थी क्या काम कर सकते हैं। कई विद्यार्थी आगे हम देखते हैं अपना काम जल्दी पूरा कर लेते हैं, अब उन विद्यार्थियों को क्या आप ऐसे ही छोड़ देंगे, क्या ये आपका दायित्व नहीं है कि उन विद्यार्थियों को कुछ और दिया जाए। क्या आपको ऐसा लगता है कि कुछ विद्यार्थी अपने काम दिए गए समय में पूरा नहीं कर पाते हैं, अब जो समय में पूरा नहीं कर देंगे तो उसको क्या आप ग्रेड दे के छोड़ देंगे, उसकी भी तो किसी प्रकार से सहायता आपको करनी है। तो एक शिक्षक के रूप में आप जितनी ज़्यादा सहायता किसी को प्रदान कर सकते हैं वो करिए। तो यही हमारे अनौपचारिक आंकलनों का एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य भी है। क्या कभी आपने सोचा कि अपने विद्यार्थियों के लिए आपने जो काम निर्धारित किए थे उससे आप अपने विद्यार्थियों के सीखने का मूल्यांकन कर भी पाओगे या नहीं। आपका जो एक अधिगम उद्देश्य था, एक लर्निंग जो आपने आउटपुट निकालना था, क्या वो उद्देश्य आपने जो उनको काम दिए, आपने जो उनको कुछ तकनीकों का आपने इस्तेमाल किया, क्या उससे आप उनका मूल्यांकन कर पाएंगे, आपको उससे पता लग जाएगा कि विद्यार्थी के अंदर जो प्रतिभाएं छिपी हैं उसका किस तरह से वो निकल के आएंगी। तो इसकी आवश्यकता इसीलिए पड़ रही है कि हम कुछ अनौपचारिक, जो लीक से कुछ हटकर हों। पटरी पर चलना सबको आता है, पटरी से हटके चलना बहुत कम लोग जानते हैं। बहुत कम लोगों में जो हमारा आज का युवा पीढ़ी है, जो हमारा आज का छात्र है वो है, क्योंकि उसमें बहुत सी अंदर छिपी हुई प्रतिभाएं हैं। तो इन प्रतिभाओं को कोई भी आंकलन युक्ति अपनाने से पहले उद्देश्यों को ज़रूर ध्यान में रखें क्योंकि शिक्षा का जो उद्देश्य है वो मूलतः तीन, जो मोटे तौर पर अगर हम बात करें तो तीन जो मोटे से उद्देश्य हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ज्ञानात्मक, जो कि कॉग्निटिव डोमेन होता है, जिसमें कि हम अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं, ज्ञानात्मक पक्ष जानने को अर्जित करने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं कि वो कितना समझा है, उसका नॉलेज बेस, ज्ञान कितना बड़ा है, वो चीज़ों को कितना प्रत्यास्मरण कर पाता है, पहचान पाता है और आत्मसात कर पाता है। भावनात्मक संकल्पना, जिसको कि इफेक्टिव डोमेन। और प्रिय छात्र छात्राओं, ये जो पर्यावरण शिक्षा है, भावात्मक संकल्पना, इसका बहुत ही बड़ा उद्देश्य है। भावनात्मक पक्ष का अर्थ भाव से, अर्थात
छात्र किसी काम को करने के लिए कितना धनात्मक महसूस करता है, ये बहुत ज़रूरी है कि भावनात्मक संकल्पना का उद्देश्य जो है शिक्षा का, पर्यावरण शिक्षा में कोई भी, जब भी आप तकनीक अपनाते हैं इसको ज़रूर ध्यान में रखें, जैसे कि अभिप्रेरणा, पूछना, स्वीकार करना, तो ये वो चीज़ है जो आप में कुछ वैल्यूज़ क्रिएट करती है, वैल्यूज़ जो कि आपका दृष्टिकोण से संबंधित होती है, तो ये एक बहुत ही बड़ा उद्देश्य है पर्यावरण शिक्षा में। तो कोई भी तकनीक बनाने से पहले इसको ज़रूर ध्यान में रखें कि भावात्मक रूप से छात्र इस चीज़ से कितना जुड़ा है और उसको किस तरह से आप जोड़ सकते हैं। और तीसरे उद्देश्य की अगर हम बात करें, जो बहुत अहम उद्देश्य है इसमें, वह है क्रियात्मक, जिसको हम कॉग्निटिव डोमेन भी कहते हैं। गत्यात्मक पक्ष का अर्थ है, या क्रियात्मक का अर्थ है क्रियाओं के करने से, जिसको हम साइकोमोटर कहते हैं, कि कोई भी चीज़ जो है कर करके सीखना, ठीक है, ये नहीं है कि हमने सुन के सीखना, नहीं, करने से चीज़ों को सीखना, खुद ही करने से जब हम चीज़ों को सीखेंगे तो क्या होता है, जो शिक्षा है वो प्रयोजनात्मक बन जाती है, उसका कोई प्रयोजन होता है। शिक्षा जो है अंत में, हम कोई भी शिक्षा जो है वो अर्थहीन होती है अगर उसका कोई प्रयोजन नहीं है, और जो हम अंत में उससे अचीव करना चाहते थे वो हमें मिलना चाहिए। तो इन तीन उद्देश्यों को ज़रूर ध्यान में रखें कोई भी तकनीक जो है वो अपनाने से पहले, या छात्रों पर कोई भी तकनीक को प्रयोग करने से पहले। अब आज तक की जो शिक्षा है वो आकलन किस तरह से करती आई है, दो ही पैमानों पर हमने आज तक की शिक्षा को जो है वो नापा है, एक है सफलता और एक है विफलता। अब ये सफलता और विफलता क्या होती है, विफलता क्या होती है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। जो विफल हुआ है उसने कुछ लर्निंग तो की है, उसने कुछ तो सीखा है, तो सफलता और विफलता बस ये दो चीज़ें अध्यापक को भी पता है, बच्चे को भी पता है, और सोसाइटी में, हमारी कम्युनिटी में सबको पता है सफलता और विफलता। इसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं कि नहीं, हमने आकलन किया, ये बच्चा सफल हो गया, ये बच्चा विफल हो गया। मुझे आपसे ये प्रश्न पूछना है कि जो बच्चा विफल हुआ क्या उसने कुछ सीखा नहीं, विफलता से ही तो सीखते हैं। तो परीक्षा में सफलता महत्वपूर्ण है, मैं इसके इस बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि सफलता बहुत ज़रूरी है, और अच्छे कॉलेज में पढ़ाई, सामाजिक स्थिति और बाद में व्यावसायिक जीवन में सफलता से इसको जोड़ा जाता है। तथापि परीक्षा के लिए तैयारी पर संकेंद्रण सीखने के अनुभव को प्रतिकूल ढंग से प्रभावित कर रहा है। NCF NCERT 2005 में इस पे विस्तार से चर्चा हुई, और उन्होंने ये बोला कि उसमें ये लिखा गया कि हम शिक्षा के आकलन के बुरे प्रभावों से बहुत चिंतित हैं, क्योंकि आज तक की जो परीक्षाएं हैं वो बच्चों के लिए सार्थक और आनंद में, जो हमने माहौल बनाना था बच्चों को एक सार्थक शिक्षा देनी थी, वो चीज़ नहीं कर पाई हैं, और वर्तमान में ये जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं ये तनावपूर्ण स्थिति है वो पैदा कर रही हैं, और नकारात्मक ढंग से ये शिक्षा को बहुत ही बुरी तरह से ये प्रभावित कर रही है। अब बात करेंगे हम आकलन के प्रकारों पे। तो आकलन के जो प्रकार हैं बहुत ही तरह के हो सकते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं आकलन के प्रकार जो हैं, ये एक अध्यापक पर निर्भर करेगा कि वो किस तरह से आकलनों को बनाता है, आकलन के तकनीकों को यूज़ करता है, उपकरणों को वो अपनाता है, और वो किस तरह से इनको बच्चों के ऊपर लागू करता है। तो आकलन के प्रकार हैं प्रारंभिक, जिसे प्रदर्शन विधि के लिए, औपचारिक, क्विज है, परीक्षण है, निबंध है, प्रयोगशाला है, परंपरागत, परीक्षण, क्विज, होमवर्क, प्रयोगशाला, रिपोर्ट। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये आकलन के प्रकारों में आती हैं। योगात्मक समेटिव की बात करें तो प्रदर्शन मूल्यांकन के लिए हम योगात्मक तकनीकों की बात करते हैं। अनौपचारिक कक्षा के दौरान और अंत में सक्रिय प्रश्न पूछकर भी हम कुछ अनौपचारिक तरीके से बच्चों से बहस, डिस्कशन करते हैं, वो करते हैं। तो इस तरह से ये आकलन के प्रकारों में आ जाती हैं। वैकल्पिक प्रस्तुतियाँ होती हैं, कुछ चीज़ें हैं वैकल्पिक भी होती हैं जिसमें कि हम शामिल कर सकते हैं प्रस्तुतियाँ, निबंध, पुस्तक समीक्षा, साथियों के साथ वार्तालाप करना, एक दूसरे के ग्रुप में बैठकर कोई कार्य करना, तो ये सब आकलन के प्रकार हैं। अब आकलन युक्तियों का निर्धारण करने से पहले इसका एक दार्शनिक आधार भी है, जो बहुत ही अच्छे से स्वामी विवेकानंद जी ने दिया कि शिक्षा का प्राथमिक प्रयोजन पुरुष और महिला में पहले से मौजूद संपूर्णता को प्रकट करना है, ऑलरेडी प्रेजेंट इन मैन, पहले से मौजूद। स्वामी विवेकानंद ने ये कहा कि शिक्षा जो है वो
जो पहले से डिवाइन परफेक्शन आदमी के अंदर मौजूद है, जो चीज़ पहले से मौजूद है उसको निकालना है, ना कि जो चीज़ मौजूद नहीं है उसको उसके बीच में डालना। तो शिक्षा का प्रयोजन जो है वो बच्चे का व्यक्तिगत चहुमुखी विकास करना है, सर्वांगीण विकास करना है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने इसका एक दार्शनिक आधार दिया कि आंकलन करने से पहले जो बच्चे के अंदर पहले से मौजूद है, आंकलन युक्तियां इस तरह की अपनाई जाएं कि वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा बाहर लाने में वो सक्षम हो, और वो बच्चे को उसके अंदर जो डिवाइन परफेक्शन है, जो पहले से मौजूद प्रतिभाएं हैं, उसको बहुत अच्छे से वो उसको प्रकट करें। 21वीं सदी के लिए अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की रिपोर्ट में यूनेस्को ने मनुष्यों के जीवन के 4 स्तरों का उल्लेख किया है, जिसमें हैं भौतिक, बौद्धिक, मानसिक और आध्यात्मिक। तो जब भी हम बात करते हैं शिक्षा की, तो शिक्षा जो है हमेशा ही ऑलराउंड डेवलपमेंट होती है, सर्वांगीण विकास, जो कि भौतिक तरीकों से बौद्धिक विकास है, हमारा मानसिक विकास है, आध्यात्मिक विकास है। तो जब हम आंकलन करें तो हम सिर्फ एक ही चीज़ को मानसिक को लेके ही क्यों वो करें, या बौद्धिक का आंकलन ही क्यों करें? हम क्यों ना ऐसा करें कि जिस कुछ ऐसी आंकलन युक्तियां अपनाएं कि जिसमें उसका सर्वांगीण विकास हुआ या नहीं हुआ, जो हमारा शिक्षण अधिगम था उसको हमने पाया है या नहीं पाया है, इसका हम आंकलन कर पाएं। अब मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगी कि पर्यावरण शिक्षा बहुत हटके है दूसरी शिक्षाओं से, तो इसमें पेन पेपर की परीक्षा के अलावा कुछ और भी चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगी ये परीक्षा नहीं चाहिए, लेकिन इसके अलावा कुछ और चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि ये पर्यावरण शिक्षा जो है, EVS भी जिसको हम कहते हैं, ये जुड़ी है आत्म जागरूकता से, सहानुभूति से, आलोचनात्मक चिंतन, सृजनात्मक चिंतन और निर्णय लेना। ये बहुत अहम पहलू हैं जब हम पर्यावरण शिक्षा की बात करते हैं, तो इन पहलुओं पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि क्या आप बच्चे में उसको आत्म जागरूक बना पाए हो, आप उसमें इतनी संवेदना जगा पाए हो अपने पर्यावरण के लिए, सहानुभूति, आलोचनात्मक चिंतन, ये सब चीज़ें क्या आप बच्चे में जगा पाए हो? इसके अलावा किसी भी समस्या का समाधान करना, अपने एनवायरनमेंट में रहते हुए वो किस तरह से समस्या का समाधान करता है, ये हमें उसको सिखाना है। वो प्रभावी संप्रेषण, हमारे जो संबंध होते हैं व्यक्तियों के साथ, वो अच्छी तरह से संबंध बिठा पा रहा है नहीं, एडजस्टमेंट जैसे सोसाइटी में होता है, या दबाव के साथ जब हम बात करें तनाव की स्थिति में वो सामंजस्य बिठा पा रहा है, आक्रोश के साथ वो उसको अच्छे से डील कर पा रहा है या नहीं, या अपने संवेगों पर वो नियंत्रण कर पा रहा है या नहीं, मतलब इमोशनल कॉम्पिटेंस कितनी बढ़ी है उसकी इसके बाद। तो ये सब चीज़ें जब हम पर्यावरण शिक्षा में बात कर रहे हैं तो ये सब चाहिए। तो एक जो पेपर पेन परीक्षा के अलावा क्या विकल्प हैं हमारे पास, ये सोचना एक शिक्षक के लिए बहुत ज़रूरी है। क्या विकल्प हैं, क्या चीज़ें हैं जो पर्यावरण शिक्षक को ध्यान में रखनी है, कि एक पेपर पेन नहीं तो कुछ और क्या, वो विकल्प क्या होंगे? तो उन विकल्पों की अगर हम बात करें तो बच्चों, प्रयोगशाला का काम, शोध परियोजनाएं बहुत अहम भूमिकाएं निभाती हैं एक पर्यावरण शिक्षा को एक बहुत ही अच्छा बनाने के लिए। पोर्टफोलियो का यूज़ कर सकते हैं हम इसमें, पोर्टफोलियो से पर्यावरण शिक्षण में बच्चों ने क्या बनाया, वो अपने आप को किस तरह से उसमें एक्सप्रेस कर पाएंगे, ये पूरी की पूरी जो है आज़ादी पोर्टफोलियो देता है कि बच्चा अपनी प्रतिभाओं को जितना खुल के उसमें प्रदर्शन करना चाहे उसमें करे। प्रस्तुतियाँ देना भी इसका एक विकल्प है कि बच्चे अपना जो उन्होंने अवलोकन किया है इधर उधर जाके पर्यावरण में, या कुछ उन्होंने काम किया है या प्रयोग किया है कोई, उसकी प्रस्तुतियां वो किस तरह से देते हैं। शोध पत्र भी इसका एक विकल्प है कि बच्चों को शोध पत्र देकर, उसकी प्रस्तुति देकर वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। निबंध लिखना, आत्म मूल्यांकन या सहकर्मी मूल्यांकन, सेल्फ असेसमेंट जिसको हम कहते हैं, या फिर पीयर असेसमेंट कहते हैं, कि एक दूसरे का वो करना, इससे क्या है कि उनमें एक बहुत ही ज़्यादा ये भावना विकसित हो जाती है कि वो किस तरह से सीख रहे हैं। तो इसमें मैं एक ही बात कहना चाहूँगी, जो मॉरल है इस सब के विकल्पों को यूज़ करने का, वो ये है, समीक्षा करें, सीखें, संशोधित करें और सुधार करें। समीक्षा, सीखना, संशोधित करना और सुधार करना, ये विकल्प यूज़ करने के लिए जो इसका मॉरल है वो यही है कि आप देखें, किसी भी स्थिति की समीक्षा करें, सीखें, उसमें उसका संशोधन करते रहें, क्योंकि जो लर्निंग है वो तो हर समय चलती रहती है, और उसमें सुधार करते रहें। अब पर्यावरण शिक्षा में अनौपचारिक आंकलन के उद्देश्यों की बात करते हैं।
तो बोधात्मक, साइकोमोटर और भावनात्मक कौशलों के विकास में सहायता करना, विचार प्रक्रिया पर जोर देना और याद करने पर नहीं। क्योंकि आज तक की हमारी शिक्षा जो रही है, जो ग्रेड आता है, जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है, वो याद, जितना बच्चा अच्छे से याद करता है, जिसको हम रट्टा लगाना भी कहते हैं, जितना अच्छा वो याद करता है उतना ही अच्छा उसका ग्रेड आ जाता है। तो विचार प्रक्रिया पर जोर दीजिए इसमें, पर्यावरण शिक्षा में, और मूल्यांकन को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया का अविभाज्य अंग बनाना। इसके उद्देश्यों में जो बहुत ही अहम भूमिका निभाता है वो है नियमित निदान। ध्यान दीजिएगा, नियमित निदान, जो कि एक सतत प्रक्रिया है और पूरा सत्र भर चलती रहती है। नियमित निदान करना और उसके बाद सुधारात्मक अनुदेश के आधार पर छात्रों की उपलब्धि और अध्यापन अधिगम कार्यनीतियों के सुधार हेतु मूल्यांकन का उपयोग करना। निष्पादन का वांछित स्तर बनाए रखने के लिए गुणवत्ता नियंत्रण के रूप में मूल्यांकन का उपयोग करना, ये उद्देश्य हैं, कुछ अनौपचारिक आंकलन करने के उद्देश्य हैं। लेकिन प्रिय छात्र छात्रों, ज़रूर ध्यान रखिएगा, नियमित निदान इसका एक अभिन्न अंग है, और उसके बाद सुधार करना, कि बच्चे की लर्निंग तो उसी से होगी, उसका निदान करिए, उसको रेमिडियल टीचिंग दीजिए और उसके बाद उसका सुधार करिए। पर्यावरण शिक्षा में इसके उद्देश्यों पे थोड़ी सा और चर्चा अगर करें तो एक कार्यक्रम की सामाजिक उपयोगिता, वांछनीयता या प्रभावशीलता का निर्धारण करना और छात्र के सीखने की प्रक्रिया और सिखाने के परिवेश के बारे में उपयुक्त निर्णय लेना भी इसमें शामिल है। अध्यापन और अधिगम की प्रक्रिया को छात्र केंद्रित गतिविधि भी बनाना है। छात्र केंद्रित आज की बहुत पहले से चला आ रहा है, हमारे बहुत से शिक्षाविद हैं, हमारे बहुत से मनोवैज्ञानिक हैं, जिन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि जो शिक्षा है वो हमेशा ही छात्र केंद्रित होनी चाहिए। तो अगर शिक्षा छात्र केंद्रित होनी चाहिए तो आंकलन क्यों छात्र केंद्रित नहीं होना चाहिए? आंकलन क्यों एक अध्यापक केंद्रित होना चाहिए कि जो अध्यापक को आसान विधि लगती है वो उससे आंकलन करेगा? नहीं, जब छात्र केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं तो सिर्फ शिक्षा वो नहीं है कि जिसमें हम छात्र को ही वो करें, जिसमें आंकलन भी शामिल है। आंकलन जो है वो भी छात्र केंद्रित होना चाहिए, इस बात पर अच्छे से ध्यान देना चाहिए। तो इसीलिए हमें इन अनौपचारिक तकनीकों की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि छात्र केंद्रित आंकलन करना था। अब छात्र केंद्रित आंकलन की बात करें तो असाइनमेंट्स, जिसको हम प्रद्युत कार्य भी कहते हैं, ये बहुत ही अहम हिस्सा है। असाइनमेंट जब आप किसी को देते हो, आप किसी को, कोई बच्चे को कार्य देते हो, तो उसको अंदर से ये भावना आती है कि मुझे ये कार्य किया है, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा ये उत्तरदायित्व है कि मैं इसको काम को पूरा करूं। अगर पर्यावरण शिक्षा की हम बात कर रहे हैं, वो छात्र जुट जाता है उससे संबंधित सभी जानकारी को एकत्रित करने में, क्योंकि उसको एक बहुत अच्छा असाइनमेंट बनाना है। उसको असाइनमेंट के रूप में एक मौका मिला है कि वो अपने शिक्षक को एक असाइनमेंट के रूप में अपनी प्रतिभाओं को उजागर करने के लिए उसको एक शिक्षक ने मौका दिया है। तो इससे क्या होता है, छात्र खुद सीखने के लिए बहुत अग्रसर रहता है, प्रेरित होता है। इस विधि में बच्चों को समस्या दी जाती है और उस पर अपनी प्रतिभा दिखाने की खुली छूट दी जाती है। ये एक बंद नहीं है कि आपने यस नो किया, आपने एक इतने इतने शब्दों में एक आंसर देना है। शिक्षक ने बोला कि आपको छूट है, अपनी प्रतिभा जितनी दिखा सकते हो दिखाओ, जाओ जियो अपनी ज़िंदगी, ठीक है? तो असाइनमेंट बहुत ही अहम हिस्सा है। आप कभी भी देखिएगा कक्षा में पढ़ाते समय, या आपका अपना एक्सपीरियंस रहा होगा, जब भी किसी शिक्षक ने आपको कोई असाइनमेंट दी है तो आप उसको सेल्फ रिस्पॉन्सिबल अपने आप को मानते हो कि शिक्षक ने मुझ पे भरोसा किया है और मुझे इस कार्य को इतनी अवधि में पूरा करना है। और उसमें हर जो बच्चा है वो ना तो रटता है, ना वो किसी को कॉपी करता है, वो क्या करता है, अपने अंदर की प्रतिभाओं को उजागर करने के लिए इस विधि से अपने आप को बहुत अच्छे से उजागर करता है। अब अगली जो हमारी है आंकलन की अनौपचारिक विधि, वो है परियोजना, जिसमें कि हम प्रोजेक्ट के द्वारा बच्चों को कोई प्रोजेक्ट देते हैं और उसके बेसिस पे हम कहते हैं कि हम आपका आंकलन करेंगे। जॉन डेवी के छात्र थे कैलपैट्रिक, उन्होंने इस विधि को जन्म दिया और इस विधि से बच्चों को स्वयं अपनी रुचि के अनुसार कार्य करने की आज़ादी दे दी। इसमें उनका कार्यात्मक, भावनात्मक, क्रियात्मक विकास होता है, क्योंकि जब भी हम किसी बच्चे को प्रोजेक्ट देखें, देखिए आप इस चित्र में देखिए, बच्चों को एक प्रोजेक्ट मिला है, चाहे वो आप उनको वो प्रोजेक्ट अकेले भी दे सकते हैं या समूह में दे सकते हैं। समूह में देने से पर्यावरण शिक्षा में क्या होता है, एक सामूहिक भावना का विकास होता है। तो आप इस चित्र में देखिए कि बच्चे किस तरह से, हर एक बच्चा जो है वो कुछ ना, जब हम उसको प्रोजेक्ट देते हैं उसको आज़ादी है, वो तनावपूर्ण स्थिति से बाहर निकल जाता है और इसी के बेसिस पे जो एक शिक्षक है वो उसका आंकलन कर सकता है।
प्रोजेक्ट के बहुत से प्रकार हो सकते हैं। ये निर्माण संबंधी होता है, निरीक्षण संबंधी होता है, उपभोक्ता संबंधी होता है। ये मैं आपको पर्यावरण शिक्षा के संबंध में बता रही हूँ। संरक्षण संबंधी होता है, पहचान करनी है, शल्य कार्य है, या समस्यात्मक किसी भी समस्या का निदान करना है। उनको हमने कोई समस्या दे दी, उस पर बोला कि आप इस पर करिए, तो बच्चों को एक खुली छूट मिलती है, उनके पंख जो हैं वो खुलते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों के पंखों को उड़ान दे दें। तो प्रोजेक्ट जो मेथड है उससे ये बच्चों को बहुत ही आसानी होती है और बच्चों को एक छूट मिलती है, एक बच्चे अपना खुल के किसी भी चीज़ को अपने आप को पेश कर सकते हैं। अब पोर्टफोलियो, जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि पोर्टफोलियो एक ऐसा बच्चे को प्लेटफॉर्म एक शिक्षक देता है जिससे कि बच्चा अपनी प्रतिभा को उस पोर्टफोलियो में लगाता चला जाता है। पोर्टफोलियो डिपेंड करता है, वो निर्भर करेगा कि शिक्षक ने क्या टॉपिक दिया है, किस तरह का उसको उन्होंने काम दिया है। परंतु कुछ विद्यालय छात्र की प्रगति पर रिपोर्टिंग के लिए पोर्टफोलियो का बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं, क्योंकि पोर्टफोलियो जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण अंकलन युक्ति है। जब हम बात करते हैं इसकी अपनी पर्यावरण शिक्षा, जिसको हमने EVS भी बोला, अगर हम 1986 नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन में बात करें तो उन्होंने जो प्रपोजल यही दिया था कि सामाजिक विज्ञान और विज्ञान इनको जोड़ के प्राथमिक स्तर पर EVS या पर्यावरण शिक्षा बना दी जाए। तो पर्यावरण शिक्षा को जब हमने इकट्ठा किया तो पोर्टफोलियो इसमें बहुत अहम भूमिका निभाता है जब हम उनके अंकलन की बात करते हैं। पूरे वर्ष में बच्चा जो भी उसने वास्तविक कार्य किए हैं वो पोर्टफोलियो में एकत्रित करता चला जाता है और उसके वो अपने शिक्षक को वो पोर्टफोलियो देता है और उस तरह से वो शिक्षक उसका अंकलन कर पाता है कि बच्चे ने क्या क्या काम किया है और इसको कितने निदान की ज़रूरत है। शिक्षक छात्रों के काम को इकट्ठा करते हैं और प्रत्येक बच्चे के लिए एक अलग फाइल संकलित करते हैं। जैसे स्कूल में जैसे जैसे प्रगति होती चली जाती है, उस पोर्टफोलियो में संग्रह जो है वो बढ़ता चला जाता है। अब ये संग्रह बहुत तरह का हो सकता है, जैसे परिवार के सदस्यों के चित्र हैं, रेखा चित्र हैं, पत्तियां हैं, विभिन्न बनावटें हैं, फूलों के टुकड़े, कारखाने के दौरे की रिपोर्ट या कहीं भी एजुकेशनल ट्रिप्स जब हम कहते हैं, चिट दोस्तों के लिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करना है कुछ चिट्स लगा के, मेहमानों के लिए कुछ ग्रीटिंग कार्ड्स बनाए हैं या फिर दोस्तों से प्राप्त कार्ड, तो ये सब चीज़ें हम पोर्टफोलियो पर छात्र लगा कर अपने शिक्षक को देते हैं और ये पोर्टफोलियो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। अब एक अच्छा शिक्षक जो है इस पोर्टफोलियो के द्वारा बच्चे में की छिपी प्रतिभाओं को बहुत अच्छे से निकाल सकता है। तो शिक्षक का जो उत्तरदायित्व है उसको समझना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हम इन अनौपचारिक पद्धतियों का इस्तेमाल भी करते हैं। पोर्टफोलियो के कुछ अहम चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी होती हैं। इसमें बच्चे के सभी तरह के कार्यों को शामिल किया जाना चाहिए, ना कि सबसे अच्छा कार्य। कई बार क्या करता है एक शिक्षक जो होता है वो बच्चे का कुछ काम निकाल देता है, नहीं इसमें सबको शामिल करिए। और ये अंकलन रिकॉर्ड और परीक्षण स्कोर की बजाय बच्चे को उसको अंदर रखिए, उसको कि उसने वास्तविक रूप पर क्या क्या कार्य किया है, और स्कोर देने की ज़रूरत नहीं है, बच्चे की प्रतिभाओं को इसमें जानिए और इसे ध्यान से संग्रहित करें और आवश्यकता पड़ने पर माता पिता को बड़े करीने से पेश करें, क्योंकि अभिभावक को एक छात्र छात्राओं की प्रतिभा बताना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभिभावक आज तक अपने बच्चे के स्कोर या ग्रेड की चिंता में ही रहते हैं, तो आप एक अच्छा शिक्षक जो है पोर्टफोलियो के माध्यम से अभिभावक के साथ बहुत ही अच्छी काउंसलिंग भी उनकी कर सकता है। पोर्टफोलियो की रिपोर्टिंग करते समय भी कुछ चीज़ों का ज़रूर ध्यान में रखें कि बच्चे की विभिन्न क्षमताओं की सूचना दी जाए। प्रत्येक सूचक को एक अलग ग्रेड दिया जाता है, बच्चे विभिन्न संकेतकों के लिए अलग अलग स्तर का यूज़ करते हैं और इनका ध्यान रखते हैं। EVS में बच्चे की प्रगति की रिपोर्ट करने पर समग्र दृष्टिकोण के बारे में माता पिता को सूचित करना बहुत महत्वपूर्ण है। ऑब्जर्वेशन, अवलोकन, अवलोकन का अर्थ है एक उद्देश्य के साथ चीज़ें देखना, और EVS में मूल्यांकन का या आकलन का ये एक बहुत अनिवार्य अंग है। कक्षा में बातचीत का निरीक्षण करना या फिर पर्यावरण में एनवायरनमेंट में जाकर किसी चीज़ का अवलोकन करना, तो उदाहरण के लिए काम की आदतों और पर्यावरण के प्रति दृष्टिकोण, स्वतंत्र रूप के साथ सहयोगी रूप से काम करने की योग्यता, कक्षा में विविधता का उत्तर देना और विचारों और
समझ का विकास करना। तो ये जो अवलोकन प्रक्रिया है अंकलन की, ये बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि आप देखेंगे किसी भी बच्चे को अगर आप नेचर में छोड़ देते हैं, नेचुरलिज्म, उसने बोला बैक टू नेचर, बच्चा खुद सीखता है, लर्निंग बाय डूइंग, उसकी लर्निंग अपने आप होगी, उसको छोड़ दीजिए, खुला छोड़ दीजिए, बच्चा अपने आप सीखेगा। तो ये जो अवलोकन है ये इस पद्धति पर निर्भर करता है, इसका दार्शनिक विचार यही है। तो आंकलन की एक अंत में एक बड़ी तस्वीर आपको पेश करना चाहूँगी कि हमारे मूल्यांकन परोक्ष रूप से छात्रों की शिक्षा और उपलब्धि को प्रभावित करते हैं। हमेशा एक शिक्षक के रूप में याद रखिए कि जो भी आंकलन एक शिक्षक ने किया है वो बच्चे की उपलब्धि को प्रभावित करेगा, वो आगे की लाइफ में कितना सक्सेसफुल होता है, कितना ज़्यादा उन्नति करता है, इस का जो श्रेय है वो उसके मूल्यांकन पर, उसके आंकलन पर जाएगा। हमारे उपकरण और प्रथाओं को हमारे शिक्षण लक्ष्यों और उद्देश्यों से ज़रूर मेल खाना चाहिए। हमारा स्कोरिंग मानदंड यथासंभव स्पष्ट होना चाहिए और लगातार हमें अपने उपकरणों का, जिन भी उपकरणों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका मूल्यांकन करते रहना चाहिए। तो प्रिय छात्र छात्रों, ज़रूर याद रखें कि ये जो छात्र हैं ये हमारी बौद्धिक विरासत हैं, हमारी इंटेलेक्चुअल हेरिटेज, हमारे छात्र हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारी छात्र छात्राएं हैं। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम इनका ध्यान रखें। एक शिक्षक होने के नाते ये हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा दायित्व है। तो आज छात्रों हमने अनौपचारिक जो तकनीकें हैं आंकलन की, उसके बारे में विस्तार से चर्चा की, और इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद।